अगर आपको भिंडी खाना पसंद है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दही भिंडी तड़का रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है राइस और रोटी के लिए। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखिए, सभी को है ना ये रेसिपी जो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है। तो भिंडी आप देख सकते हैं कितना कच्चा है, तो आप इसे चेक करने के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, आप इसे तोड़ के देख सकते हैं, ये आसानी से तोड़ जाता है। तो इसका मतलब जो भिंडी है ना एकदम बढ़िया सा कच्चा भिंडी है। तो इसे मैंने अच्छे से वाश करके इसे अच्छा से कपड़ा से पोंछ लिया है, एकदम ड्राई होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम भिंडी को जो है ना काट लेते हैं। और जब आप भिंडी खरीदते हैं तो आपको इसे सीधा सीधा भिंडी खरीदना है, अगर उसमें टेढ़ा वेढ़ा रहेगा तो उसमें क्या होता है कि कीड़ा होने का चांसेस है। अगर जितना सीधा रहेगा उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं होते हैं, तो आपको इस तरह से काट लेना है। नहीं तो आपको इसे छोटा चाहिए तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं होते, मैंने जैसे बोला आपको वैसे ही खरीदना है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेल में ही हम इसे मतलब थोड़ा सा सोते करेंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने फ्राई पैन में और इसे अब थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, क्योंकि भिंडी मतलब बहुत ही कच्चा है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फ्राई होने के लिए। तो भिंडी को आप है ना ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, कम से कम 70-80% तक कुक कीजिए। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए और इसे अच्छा सा बढ़िया सा मिक्स कर देंगे, और इसे हम ज़्यादा और फ्राई नहीं करेंगे। तो बस इससे बढ़िया सा मिक्स करके इसे हम निकाल लेते हैं। तो भिंडी जो है ना थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो खाने में बढ़िया टेस्ट लगेगा, और ज़्यादा अगर पका देंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही जो है 1 कप लिया है, एकदम फ्रेश दही है, मतलब थोड़ा सा खट्टा है। और इसका ऊपर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर इसमें डालता हूँ, और इसे बढ़िया सा हम मिक्स कर देंगे। अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, एक बार मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जिस कप में मैंने दही लिया था उसी कप में आधा कप पानी में इसमें डाल के अच्छे से बढ़िया सा मिक्स कर देता हूँ, बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो हम इसे अभी बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है और अभी हम इसे बॉईल करेंगे। तो देखिए जब आप बॉईल करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए, और भी थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। आपको कंटिन्यूस मतलब चलाते हुए इसे आप बॉईल करेंगे, तो अभी क्या होता है कि आपका जो दही है ना वो फटता नहीं है, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो देखिए एक उबाल आ चुका है, और इसे हम कम से कम और 2 से 3 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे, और इसमें और भी दूसरा कुछ मसाला हम ऐड नहीं करेंगे। एकदम बहुत ही बढ़िया सिंपल रेसिपी है, और इसके बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। तो देखिए जब तक आपका ये बॉईल नहीं हो जाता तब तक आप इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए, कभी कभी क्या होता है कि दही फटने का चांसेस भी होता है। तो देखिए परफेक्ट हमारा बॉईल हो चुका है। तो अभी हम इसमें भिंडी ऐड कर देते हैं, और हमें इसे 2 मिनट के लिए और इसे हम पकाना है दही के साथ। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप सिर्फ 10 मिनट में जो ये रेसिपी ना एकदम बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कम से कम 2 मिनट हो चुका है, एकदम मैंने मीडियम फ्लेम में ही इसे पकाया है। तो बिल्कुल भी हम इसे ओवर कुक नहीं करना है, जैसे मैंने पहले से बोला था। तभी हम गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और एक साइड में रखेंगे। इसके लिए एकदम बढ़िया सा एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्राई पैन ले लिया है, और उसमें मैं डाल देता हूँ 1.5 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। तो इसके साथ मैं डालता हूँ 5 फोटन, इसमें मेथी, जीरा और काली जीरा, ये सब मतलब मिलावट होके आता है ना, उसमें डाल देता हूँ। और उसके साथ थोड़ा सा लहसुन मैंने लिया है, 6-7 का लिया लहसुन, इसे थोड़ा सा आपको क्रश करके डाल देना है, और इसे बढ़िया सा थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई चिली। तो देखिए तड़का लगाने का तरीका देखिए, तो स्टार्टिंग में ये डालना है और आपको बीच में डालना है करी लीव्स। तो कभी कभी करी लीव्स अगर हम पहले डालते हैं तो उसका फ्लेवर जो है ना वो निकल जाता है, ठीक है, तो आता नहीं है, तो इसलिए मैंने एंड में डाला है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हींग मैंने ऐड किया है, वो भी मैंने देखिए इसके बाद ही ऐड किया है, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो लहसुन के साथ ही मिलकर रहेगा। उसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया देता है। और इसके बाद मैं डालता हूँ थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे दही का ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमारा तड़का रेडी हो गया है, और हम इसे डाल के बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा दही भिंडी तड़का बनकर रेडी हो गया है। तो आप ज़रूर
इसे बनाइए और इसे राइस के साथ, गर्मा गर्म राइस के साथ खाइए। और इसके साथ कोई भी साइड डिश आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप सुबह बना के शाम को खाते हैं तो इसका जो टेस्ट है ना और दुगना बढ़ जाता है। तो चलिए आप ज़रूर इसे बना के खाइए और मेरे को कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसा लगा। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।